जन्म पत्र में यदि चंद्र और शनि एक साथ हो तो जहाँ चंद्र का फल उत्तम होगा वहाँ शनि का फल अशुभ हो जाएगा। दोनों के योग से दिल की शांति पर अशुभ प्रभाव होता है। दोनों का अशुभ प्रभाव सूर्य के उपाय से दूर होता है। चंद्र ग्रहण के दिन शनि की वस्तुएं चलते पानी में बहाना भी उपाय होता है। तीसरे स्थान में स्थित हो तो जायदाद पर उत्तम, पर नगद धन की कमी रहती है। दो में उत्तम फल, चार और छह में अशुभ फल प्राप्त होता है। नौवें स्थान में स्थित हो तो धन के लिए उत्तम होते हैं। बारहवें स्थान में स्थित हो तो माया को त्यागने वाला तथा ग्रह सुख में कमी में होती है। चंद्र और शनि एक साथ होने पर केतु का फल नीच होता है। इसका धन ससुराल या यार दोस्त व भाई बंधुओं के काम आता है। किसी दूसरे हमउम्र की सहायता से धन पैदा करता है ऐसा व्यक्ति। बृहस्पति के स्थानों में दोनों उत्तम फल के होते हैं, वरना मोह माया वाला और काला मुंह करने वाली माया होती है।